हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कि जैसे आप लोग को बेनिफिट मिल सके कि इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। हर साल के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, हर साल कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ पूछते हैं। तो इस बार देखते हैं कि जो आज इंटरव्यू दे के आए हैं, जिनका मीडियम हिंदी उर्दू या इंग्लिश रहा हो, सबका अलग अलग मीडियम है, और उनसे कैसे सवालात किए गए और आप लोग को क्या तैयारी करनी है क्या नहीं तैयारी करनी है, अपने आप को कैसे उनके सामने रिप्रेजेंट करना है, और क्या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के जानी है या फिर हमें होल सिलेबस पढ़ के जाना है या फिर वो रैंडम सवाल करते हैं, तो इन सब का जवाब लेकर हाजिर हैं इस वीडियो में। तो आइए हम पहले वन बाय वन बात कर लेते हैं कि किससे क्या पूछा गया। तो सबसे पहले शाहरुख, आप अपने बारे में बताइए, अपने सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में बताइए और अपने मीडियम ग्रुप के बारे में बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। मेरा मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, बिहार के अररिया जिला का रहने वाला हूँ। और मेरा मीडियम ग्रुप रहा है उर्दू और पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो सबसे पहले जब मुझे बुलाया गया तो मुझे कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना तारुफ कराइए। तो मैंने तारुफ कराया। उसके बाद जाके जो है मुझसे पूछे कि आपने जो ग्रेजुएशन किया बेटा, आप यहीं रह के किए? मैम पूछी, मैंने कहा जी। फिर मुझसे पूछा गया कि आप हिस्ट्री पढ़े थे, मैंने कहा जी। फिर मुझसे सेकंड सवाल या थर्ड सवाल पूछा गया कि आप 12th तक उर्दू पढ़े? मैंने लगे जी मैंने उर्दू पढ़ा है। ये सवाल करने के बाद फिर मैम जो है मेरे पार्टनर थे, अच्छा जो शाहरुख, मेरा मैं आपको पार्टनर हमारे यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूँगा। आप लोग की आवाज़ आ रही है? बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत स्लो आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो क्या आप लोग को आवाज़ प्रॉपर जा रही है? थोड़ी सी ठीक हो थोड़ा। अच्छा, थोड़ी स्लो है। हो नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने सर्टिफिकेट किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उर्दू में, और उन्होंने ना तो 10th में पढ़ा है, ना ही 12th में पढ़ा है, ना ही ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ा है, तो उर्दू मीडियम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आपको अगर उर्दू मीडियम से अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपको इंश्योर हो जाना पड़ेगा कि आपने या तो 10th में उर्दू पढ़ा है, या तो आपने 12th में उर्दू पढ़ा है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने उर्दू का सर्टिफिकेट लिया या फिर उर्दू में डिप्लोमा किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा देख के आप जाइएगा, अगर आपने 12th में उर्दू पढ़ा होगा, 10th में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो ही आप उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अभी तीन हालांकि पिछले साल तक अभी था, पिछले साल तक अगर आपने सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा किया है, तो पिछले साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, आप एलिजिबल थे, लेकिन इस बार उन्होंने हटा दिया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के तभी आप इंटरव्यू देने जाएगा। हाँ राशिद, आप कंटिन्यू कीजिए। राशिद, आप कंटिन्यू कीजिए, जो भी बोलना आप बोलिए आगे। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? यस यस, आ रही आ रही है। हाँ, जब मुझसे मैम पूछी कि आपने उर्दू कहाँ तक पढ़ा, मैंने 12th तक बताया। उसके बाद फिर हमारे साथी से पूछा गया, तो उनके बताने के बाद मेरे से ये पूछा गया कि पहला सवाल दोनों को कॉमन करके कि 2024 में जो इलेक्शन होना है उसके दो दो पॉसिबिलिटी करके आप बताइए क्या है। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने स्किप कर दिया। तो मेरा पार्टनर भी उस तरीके से सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया मुझसे कि जो है आप बताइए कि अपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में कौन है, तो उस पार्टी का हमने नाम बताया। उसके बाद जो है फिर मुझसे पूछा गया थर्ड सवाल कि जो है आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। हम अपने ग्राउंड पे हमने जो सवाल का जवाब तैयार कर रखा, तो वो बताया। सेम क्वेश्चन हमारे पार्टनर से भी पूछा गया, और लास्ट में मुझसे ये पूछा गया कि जो है आप कौन सा पेडागोजी लेंगे। बस इससे ज्यादा नॉर्मल, हाँ, लास्ट क्वेश्चन उनका ये रहा कि जो है सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। तो फिर जैसे मैंने जुडिशरी बोला वो मुझे रोक दिए। तो मेरे पार्टनर से पूछे तो मेरे पार्टनर जो है वो पहले यूपीएससी के बारे में बता दिए, तो फिर वो उनको लेंदी कर दिए, वो उनके जो तीन अंग हैं। तो अच्छा, वो तो सवाल का यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर यह है कि जैसा इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस इन्होंने बताया, तो पॉलिटिकल साइंस जो अपडेटेड क्वेश्चन थे उन्हें किया गया, मतलब करंट में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, उसके बारे में पूछा गया। जैसे इन्होंने बोला कि हमसे पूछा गया कि अपोजिशन में कौन है, और आपका 2024 के बारे में क्या ख्याल है, 2024 का जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके बारे में आपका क्या राय है, आप किस पार्टी को जीतते हुए देख रहे हैं या फिर किस पार्टी को हारते हुए देख रहे हैं, कुछ इस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो हालांकि इन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन टीचर ये पूछना चाह रहा था कि 2024 में आप किसे देखना चाह रहे हैं, पीएम, एज अ पीएम किसे देखना चाह रहे हैं, और अगर ये बताते कि हम इस पार्टी को देखना चाहते हैं, तो उसके उससे सवाल आता कि ऐसा क्यों आपका विचार है कि आप इस पार्टी को देखना चाहते हो। अगर इनका जवाब होता कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में सवाल करते हैं। अगर इनका होता बीजेपी, तो बीजेपी के बारे में इनका सवाल होता। और
जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो जो इनके साथ गए हुए थे, इनके जो साथ गए हुए थे उन्होंने बताया था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे काफ़ी सवाल किए गए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कोई थर्ड पार्टी का नाम नहीं लेना है, मतलब थर्ड एग्जामिनेशन का नाम नहीं लेना है। आपको ऐसा जाहिर करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बीएड ही करना है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपने कहीं और के लिए फॉर्म भरा होगा तो आप वहाँ के लिए भी मना कर सकते हो कि नहीं, हम इस फॉर्म को, मतलब हमने फॉर्म नहीं भरा हुआ है और हमें बस बीएड ही करना है, हम डिस्पेरेट है बीएड करने के लिए। चलिए, लगता है नेटवर्क की वजह से इन्होंने लेप कर दिया और नेटवर्क का थोड़ा इशू है। चलिए, अच्छा, आगे ज्वाइन कर गए। तो आगे शाहरुख, आपसे क्या पूछा गया जब आपने जुडिशरी के बारे में जैसे बताया, आपको रोक दिया गया और रोकने के बाद आपके पार्टनर से सवाल किए गए, तो उसके बाद कौन सा सवाल आया? ये उनका लास्ट सवाल था कि जुडिशरी उसके बारे में वो सजेशन सजेस्ट किए कि उन मेरे पार्टनर को कि जो है आप एटलीस्ट आपको 6-7 क्लास जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पढ़ के आना चाहिए। और मेरे से पहले जो कैंडिडेट गई थी तो उनसे पूछा गया फंडामेंटल राइट हैं जो कि एंड उनसे जो है सिटीजनशिप जो एक्ट है उसके बारे में पूछा गया था। तो मुझे लगा कि मुझसे भी वही सवाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमसे पूछा नहीं। नॉर्मल मेरा पर्सनल थोड़ा पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, आपके फादर क्या करते हैं, और यही सब पूछा। इससे ज़्यादा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सब्जेक्ट से। अच्छा, तो आपसे बस इतना ही क्वेश्चन किया गया। और हाँ, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हो कि मेरा गांव में जो है कि एजुकेशन काफ़ी पीछे है और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टीचर बन के, और अगर मुझे गांव के अपने इस व्यवहार को दूर करना हुआ, मतलब इस कमी को दूर करना है, तो एक टीचर ही दूर कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे जगह से मैं टीचर बन के वहाँ जाऊँ और अपने गाँव में, मतलब अपने गाँव के जो भी दुर्दशा है उसे दूर कर सकूँ। तो आपसे इतना क्वेश्चन किया गया। नाजी, आप अपने बारे में बताइए और अपने पहले कोर्स के बारे में बताइए, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था और आपको इंटरव्यू के लिए किस कोर्स के लिए बुलाया गया था, देन उसके बाद आपसे क्या सवाल किए गए उसके बारे में आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा वालेकुम जो सलाम। इंटरव्यू था वो मैं तो अंदर गई, वेलकम सर के मैं अंदर गई, उसके बाद मैं तो उन्होंने मुझे पहले एक पेपर पे साइन करवाया जो मेरे रोल नंबर के आगे था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला सारे सर मैं तेरे से अपना अपने बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, तो मैंने बता दिया कि मैं मेरा नाम नाजी है और मैंने अपनी पूरी तालीम जो है वही इसी इलाके के स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से हासिल किया। उसके बाद मैंने अपने जो ग्रेजुएशन है वो जामे के अर्जुन सिंह से की है, डिस्टेंस ओपन लर्निंग से। तो उसके बाद फिर वो दूसरी लड़की से, तो मेरे साथ लड़की थी वो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस की थी, तो फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उससे उसी से पूछा कि तुमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, तो उसने बोला कि हाँ। तो फिर मेरे से बोला तो मैंने बोला हाँ पढ़ा है, मतलब अब 2016 में पढ़ा, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी बस मैंने। तो फिर मैम ने उससे क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन मुझसे कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मैम मैं इसके बारे में नहीं जानती, मैंने उनको मतलब मैं भूल गई हूँ ये बोला मैंने उनको, तो मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नरम दल गरम दल के बारे में बताइए कि ये क्या थे, तो मैंने बता दिया उसके बारे में। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन ये पूछा कि सेकुलर सेकुलर स्टेट किसे बोलते हैं, तो सेकुलर स्टेट भी मेरे को जो मेरे को पता था मैंने बता दिया। फिर उस लड़की से पूछा, उस लड़की की एक्चुअली वो लड़की जो थी ना वो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में थी, 4 साल का उसका एक्सपीरियंस था और उसने टीजीटी भी किया हुआ था, टीचर क्लियर किया होता, तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है वो लड़की, मतलब इसी फील्ड में थी काफी साल, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा, मतलब जैसे कि उसके टीचर्स को ज्यादा फोकस जा रहा था, उसके मुझसे भी क्वेश्चन यानी जा रहे थे आपका, जितना हाँ, मैं आगे बता पा रही थी कर पा रही थी। जी आपका आपके बातों से लग रहा है कि आपके साथ जो कैंडिडेट गए थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से आपके टफ क्वेश्चन आपको सामना करना पड़ा। आप जैसे उनके जी हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनसे क्वेश्चन किया गया, और जब वो नहीं बता पा रहे थे तो उनके क्वेश्चन आप पर आ रहे थे रिटर्न, फिर आपसे पूछे जा रहे थे। नहीं, पहले वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग मेरे से पूछते थे, पहले मुझसे ही पूछ रहे थे, अच्छा तो मैं अच्छा नहीं बता पा रही, मैं थोड़ा सा बताया तो फिर वो उससे पूछे थे, उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब आप या तो आप क्वेश्चन अलग अलग करिए, आप भी जैसे उससे पूछा कि आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ा, तो उसने बोला हाँ, तो वो चीज मुझसे मेरे पास फेंक दी गई ऐसे, मतलब अच्छा के अच्छा शो कर दिया गया है। हाँ, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, पर मैंने जितना भी मेरे को आ रहा था मैंने आंसर दिया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा मुझमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो उसी लड़की से ज्यादा मतलब ज्यादा मुतासर हो रहे हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा। तो फिर उन्होंने उससे पूछा, वो एक्चुअली उसने बीएड किया जीओ से, उसने बताया और वो टीचिंग लाइन में भी थी, तो वो
टीचर ने यही पूछा कि तुम ये क्यों करना चाहती हो जब तुम तो ऑलरेडी फील्ड में हो। तो कहने की नहीं मैम बीएड कंपलसरी है, अगर मैं कहीं स्कूल में जाऊंगी जॉब के लिए तो मुझे बीएड बोला जाएगा, मतलब बीएड जरूर मानते हैं, तो इसलिए बीएड करना चाहती हूँ लड़की ने बोला। तो फिर उसे उन्होंने मुझसे बस इतने ही क्वेश्चन किए, आगे उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये किया था कि जो पॉलिटिक्स के जो ये थ्योरी वगैरह जो है ये हम अपने रियल लाइफ में कैसे इसको, मतलब जो हर अभी ये पॉलिटिक्स जो है इसको कैसे उसके अंदर मतलब यूज करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब आपको कहाँ लगता है कि उसको पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। तो उसमें मैंने बोला कि मतलब जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उनको थोड़ी बहुत समझ होती है पॉलिटिक्स। आप क्या कीजिए ना, आप आंसर मत बताइए, सबका आंसर अलग अलग होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन बताइए क्योंकि वो टाइम थोड़ा कम है, आप खाली क्वेश्चन बता दीजिए जिससे कि कल वाले जो कैंडिडेट है वो अपना प्रिपेयर हो सके, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। मेरे को तो यही फील हुआ है कि मतलब कुछ भी करना, पढ़ाई करना है वो कुछ भी मुझे तो लगता है वो रैंडमली, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है अगर आप ये पूछ ले कि आप क्या पढ़कर, उन्होंने क्वेश्चन कर दिए, अदरवाइज वो कुछ भी थ्रो कर देंगे आपके ऊपर। बस मुझे तो लगता है कि वो शायद आप बस आपको देखने के लिए बुलाते हैं कि आपका उठने बैठने का तरीका क्या है और आप किस तरीके से क्वेश्चन को सुनकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बस वो तो है, जाहिर सी बात है, वो आपका पर्सनालिटी देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, टीचर के लायक फिट है कि नहीं है, क्योंकि बाकी उनको पता है कि आप अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब कैपेबल है, टीचर बनने के कैपेबल है, और वो आपकी पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं आपसे। बस इतनी आपसे ये नहीं आया क्वेश्चन कि आपने क्या पढ़, आज इंटरव्यू है तो आप क्या पढ़ के आए हो, आपसे क्वेश्चन नहीं किया गया। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, जो सर जी से पहले क्वेश्चन किया था, पहले इंट्रोडक्शन मेरा लिया, उसका जब उसका इंट्रोडक्शन लिया तो उससे ही पूछा कि आप क्या पढ़ते हो, तो मतलब ये तो आपने पढ़ा होगा, तो उसने बोला हाँ, तो मैंने भी कहा ये तो सब पढ़ते ही, पॉलिटिकल साइंस मिलेगी, मुझे नहीं पता था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू एवरेज रहा, काफी आपके हिसाब से अच्छा नहीं गया, जैसा आप बता रहे हैं कि आपका इंटरव्यू एवरेज रहा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया। तो हमें बाकी बोलिए, देखिए अगर आपका भी अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो आपको हताश नहीं हो रहा ना, आपको निराश नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस मुस्कुराते हुए बैठना वहाँ पर। और मैं मुस्कुराते हुए बैठी थी और मैंने उस लड़की की जितने जो भी वो आंसर करी थी ना, मैंने उसको बहुत अच्छे से सुना और मतलब उससे मैं रिएक्ट भी कर रही थी क्योंकि वो अच्छा बोल रही थी और मुझको भी जितना समझ आया तो मैंने उसका आंसर किया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल आंसर नहीं किया। फिर लास्ट में जब मुझे ऐसा लगा कि शायद सर को मेरी बात समझ में नहीं आई है, उन्होंने मुझसे कुछ तो पर्सनली पूछा नहीं, तो फिर मैंने उनको बता दिया कि सर देखिए मैंने 2016 में अपने ग्रेजुएशन किया है, मैंने कहा सर मुझे ग्रेजुएशन किया बहुत टाइम हो गया है इसलिए मुझे कुछ चीजें भूली हुई है, मैं आपको प्रॉपर बता नहीं पा रही, तो कहने कब हुआ आपका ग्रेजुएशन, मैंने कहा 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैं जॉब करने लगी थी, जॉब फील्ड में आ गई थी, तो कहने के अच्छा तो टीचिंग करती, मैंने कहा नहीं टीचिंग नहीं, मैं डेंटल मतलब डॉक्टर का ऑफिस करती थी, मैं जॉब करती थी। तो फिर मैंने बता दिया कि मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी, तो मेरी आपकी बेटी कितने साल की, मैंने कहा एक साल के करेंगे, तो ठीक है बस इतना थैंक यू करके फिर मैं आ गई। अच्छा, तो मैंने अपने बारे में उनको बता दिया कि वो ये ना समझे कि मैं पढ़ के नहीं आई हूँ या मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने बता दिया कि ये रीजन है, मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ, बाकी उनकी अब वो मेरी किस्मत है, मैंने उनको अपना सारा बता दिया। और राजा आपसे क्या पूछा गया, आप किस कोर्स के हैं, पहले अपने बारे में बताइए, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया और आपका मीडियम क्या है, देन उसके बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए उसके बारे में बताइए हमें। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रजानी है और मैंने जो है जामिया में उर्दू सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था और उसका ही इंटरव्यू था मेरा। तो वही सबसे पहले ये हुआ था कि पीयर में बुला रहे थे तो हम लोग बाहर बैठे थे, ऐसा था बिल्कुल गेट के पास ही बैठे हुए थे हम लोग। अच्छा, पहले तो वो मतलब हाँ वो नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने इशारे से रोक लिया कि अभी रुक जाओ फिर थोड़ी देर में आना। हमने कहा ठीक है, फिर थोड़ा वेट किया, फिर हम अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद जैसे हम मतलब सलाम करके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खुद पहले से कह दिया था कि बैठ जाओ, तो हम जाते बैठ गए और मैंने फाइल जैसे आपने कहा था फाइल रखने के लिए तो मैंने उनके टेबल पर रखा था कि बेटा ये अपने गोद में रख लो। अच्छा, नहीं फाइल रखने आपने टेबल पर रखा तो उन्होंने बोला कि अपने पास रखो फाइल, ठीक है आगे वो गोलने के लिए कह रहे थे कि हाँ अपने पे रखो। फिर उसके बाद हम दोनों बैठे तो सबसे पहले मैम ने वो साइन करवाया कि आपका नाम अपना नाम लिखो और फिर मुझसे ये पूछा था आपका सीरियल नंबर क्या है। अच्छा, तो क्या सीरियल नंबर नहीं बोला था, रैंडम बुला ले रहे थे।
नहीं हमारा तो सीरियल नंबर, हमारे जो बच्चे थे सब पहुंच गए थे टाइम पे, अच्छा तो उनको पहले से मतलब सीरियल भाई उसको बिठा रखे थे, दो दो करके उसके हिसाब से बुला रहे थे। फिर अच्छा वही हमारा अच्छा सीरियल नंबर पूछा कि क्या है, तो फिर जी, मैंने बताया सीरियल नंबर, फिर उन्होंने जो है नाम साइन करवाया। फिर उसके बाद दोनों से ऐसे हुआ था दोनों के साथ, फिर उन्होंने पूछा कि हाँ आप अपने बारे में बताओ रजा, तो फिर मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद और दूसरे वाले जो हमारे साथ थे उनसे भी यही पूछा था, फिर लास्ट में मैम ने ये मुझसे ही पूछा कि बताओ आप मतलब आपसे क्या पूछे जो जिसमें आप मतलब बात करना पसंद करेंगे। तो फिर यानी मैं बहुत बेसिकली वो खुश हो आपसे गया ये क्योंकि पूछना चाह अभी रहे थे ये कि क्वेश्चन आप आया है सर। इंटरव्यू आपका है तो आप क्या तैयार करके आओ, बेसिकली वो यही पूछना चाह रहे थे। अच्छा जी सर। तो फिर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं इकबाल के बारे में और फिर उर्दू कवायद के बारे में पढ़ के आया हूँ। तो फिर मैम ने कहा ठीक है, और दूसरे वाले से पूछा कि आप बताओ, तो उसने भी यही कहा कि हाँ मैं उर्दू कवायद पढ़ के आया हूँ। तो फिर सबसे पहले सर ने उनसे क्वेश्चन कि आप ये बताओ, पहला क्वेश्चन ये था कि एक वो जमा के बारे में था कि आलिम और उलमा और उलमाओं में क्या फ़र्क है। तो फिर वो जो दूसरा वाला जो हमारे साथ थे उनसे बताया नहीं गया, मतलब थोड़ा बहुत बताया, बाद में उन्होंने गलती कर दी। तो फिर मैम ने कहा कि जो सर ने इनसे क्वेश्चन किया आप बताओ इसके बारे में। तो फिर मैंने अच्छे से वो बता दिया, तो फिर मैम ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उसी से कहा, क्योंकि वो बता नहीं पाया तो उसे उनसे ही करा था। फिर उसके बाद वो भी नहीं बता पाए, और इसके बारे में किया था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ यानी कोई वो मौके शायद दे यहाँ रहे क्या थे, है। जो यहाँ के इंटरव्यूअर थे वो मौके दे रहे थे कि अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं बता पाए तो हम आपको दूसरा मौका देते, दूसरा चांस देते, आप दूसरा क्वेश्चन बताओ। जब वो नहीं बता पा रहे थे तो वो क्वेश्चन उलट के आपके पास आ रहा था। तो जी। इस फिर उसके बाद इहाम गोई के बारे में पूछा, तो फिर वो बता नहीं पाया, वो मतलब उसका इहाम का सिर्फ माना बता रहे थे कि इसका माना ये है। तो फिर कह रहे शायरी के हिसाब से आप बताओ कि शायरी में क्या इसका वो है। तो फिर मुझसे मैम ने पूछा, तो मैम मेरे जहन में ये बात थी नहीं, तो फिर मैंने मैम से कहा कि मैम अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा है। तो कह रहे अच्छा आपके जहन में अभी नहीं है, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे किया गया कि आप ये बताओ कि जो मुशा जो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके एक जैसे तलफ़ुज़ होते हैं उनके बारे में बताओ। तो मैंने सबसे पहले उनकी उसकी तारीफ़ कर दी, तारीफ़ करने के बाद मैंने मिसाल दे दी, मिसाल दे के अच्छा बाकी उन्हें समझाया उसकी मिसाल के उसका तर्जमे के साथ कि इसका माना ये है और अच्छा इसका माना ये। तो सर ने कहा हाँ अच्छा है। फिर उसके बाद अब एक क्वेश्चन क्या हुआ था कि हाँ एक सर थे वहाँ बैठे हुए, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, अल्लामा इकबाल के एक शेर पढ़ के उन्होंने सुनाया मुझे कि ये शेर बताओ किसका है। हेलो सर। ऑडिबल है, चलिए आप बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो सर वही, फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक जवाब शिकवा में से शेर पढ़ के मुझे सुनाया, तो मुझसे कहने लगा ये शेर किसका है। तो मैंने कहा अल्लामा इकबाल का है, मगर जो हमारे साथ में थे वो बीच में बोल दिया, तो सर सर ने मना किया कि आप मत बोले इनसे पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया कि हाँ अल्लामा इकबाल का है, तो फिर बोले कि किस कहाँ से है ये। तो मैंने बता दिया जवाब शिकवा, तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका मतलब तशरीह करो इसके क्या मतलब। तो मैंने उसके बारे में बता दिया, और फिर उसके बाद तो देखिए मैं यहाँ एक पर थोड़ा एक सा सर और इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जी देखिए बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। देखिए अगर दो लोग जी साथ जा रहे हो, अगर वो टीचर किसी से पूछ रहा है, जैसे मतलब आपसे नहीं पूछा, दो ए और बी दो लोग गए इंटरव्यू देने, सवाल ए के पास आ रहा है, तो जब तक या तो ये कम्प्लीटली हार ना मान ले या फिर टीचर बी के पास ना आए, तब तक आपको जवाब नहीं देना है। बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करना आपको, कि उनसे पूछा उनको नहीं आया तो मैं बीच में बोलना स्टार्ट करूँ, एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। जब जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि नहीं आप बताओ, देन आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि बीच में सर उनको पूछ रहे हैं और वो जवाब मुझे आ रहा है उसे नहीं आ रहा तो मैं बीच में जवाब दे दूँ। ऐसा अगर आप करेंगे तो एक बैड हैबिट माना जाता है, इससे नंबर भी थोड़े से नंबर पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो वीडियो ये देख रहे हैं तो वो इस बात से थोड़ा सा जैसे सीख ले, उनको बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। खैर आप आगे बताइए, आगे क्या पूछा गया आपसे। जी। तो फिर उस शायर उसकी तशरीह कर दी मैंने, फिर उसके बाद एक सर और बैठे थे, तो उन्होंने मैंने ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि मैंने इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की है। तो फिर ठीक उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा मदरसा, तो मैंने अपने मदरसे का नाम बताया। ठीक फिर है उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि आप ये बताओ, उस पहले उससे पूछा था जो मेरे साथ थे, उनसे पूछा था कि बाद अलिफ वाला बाद और ऐन के साथ बाद इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अच्छा फिर जी, तो उन्होंने उनसे बताया नहीं गया, वो भी मतलब एक
बिया एंड दाल वाले का बता दिया लेकिन बात नहीं बता पा रहे नहीं आप जो है ना मेरे डायरेक्ट खाली पास। क्वेश्चन बताइए, आप आंसर मत बताइए कि हमने ये आंसर बताया उन्होंने, बस आप क्वेश्चन बताइए क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा लोगों को कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अब सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए आप। हाँ तो उनसे यही पूछा, फिर उसके बाद जो है मैंने बता दिया था, मैं ठीक बता है ही रहा था इतने में सर सर खुद ने बता दिया, तो मतलब वो एक शेर पढ़ने लगे तो उसमें खुद एक्सपोज हो गया तो सर हंसने लगे, फिर तो मैंने बता दिया दूसरों का दोनों का, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा, कुछ नहीं कहा। जी, फिर और यहीं पर आपका फिर सर से इंटरव्यू हो पहले गया। शायद हाँ इंटरव्यू हो गया, फिर मैम ने कहा कि जी ठीक है आप लोग जाए, फिर साइड वाले जो मेरे साथ में थे शायद वो एलिजिबल नहीं थे क्योंकि मैम की बातों से ऐसा लग रहा था, मैम कह रही थी कि आपने मतलब फॉर्म भरने से पहले देखा नहीं था कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन किया था, मगर उन्होंने ठीक कहा है। नहीं था कि आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन कहा था। तो उर्दू उर्दू के थे ना वो, हाँ उर्दू उर्दू से, लेकिन उन्होंने ये कहा था अपने बारे में कि उन्होंने चलिए हो एएमयू सकता है कि से उनका उन्होंने हाँ डॉक्यूमेंट में कुछ एरर रहा हाँ हो जिसकी वजह से मैम एएमयू ने से ऐसा किया। उन्होंने उन्होंने जी मैम वो अरबिक का कोई मसला था उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपने ऑनर्स नहीं किया उर्दू से, इसलिए अच्छा, चलिए अच्छा, आपका बस बहुत यही बहुत हुआ। शुक्रिया आपका। जी और सना आप बताइए आपसे क्या पूछा गया, पहले तो आप बताइए कि आप आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था और आपका मीडियम क्या है, देन उसके बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए। सर मैं यहाँ पर जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका एक्सपीरियंस सुनने के लिए है, मेरा कल इंटरव्यू है। आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है, थोड़ा तो सा माइक के पास आके बोलिए आप। सर मेरा कल इंटरव्यू है, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है मैं उनका एक्सपीरियंस सुनने के लिए हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप इंटरव्यूअर नहीं हो, मतलब आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आप कल इंटरव्यू देने जाओगे, आप एक्सपीरियंस सुनने के लिए ज्वाइन हुई हो। चलिए फिर अच्छी बात है, यहाँ पर तीन चार लोगों ने जो जितने भी लोग थे अपने अपने इंटरव्यू शेयर किए, तो उससे ये बात कंक्लूजन निकल के आ रही है, उससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आपका लक कितना साथ देता है वो मायने करता है, क्योंकि वो कुछ ही लोग से पूछ रहे हैं कि आज इंटरव्यू है तो आप क्या पढ़ के आए हो, सभी से वो नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए हो। बस आपको इस बात को देखना है, यहाँ पर वहाँ बैठना है, जब भी आप आंसर दें तो थोड़ा पॉजिटिव वे में दें, और आपको ये जाहिर नहीं होने देना है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए आपने बीएड किया, या आपका ये सेकेंडरी ऑप्शन है, आपने कहीं और फॉर्म भरा है, ये सब उन्हें जाहिर एकदम नहीं होने देना है। आपको एकदम बताना ही नहीं है कि मैंने कहीं और का फॉर्म भरा है, जैसे आपने CUT का फॉर्म भरा होगा तो उससे भी आप नेगलेक्ट कर दीजिए कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, और अगर आपने कहीं और का मास्टर के लिए या फिर आपने किसी और कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर साफ साफ मना कर देनी है। अगर आपने जामिया से बी एड स्पेशल, बी एड जनरल, डीएलएड के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर आप बोल सकते हो क्योंकि उनके पास डेटा है, उनके पास एजुकेशन का डेटा है, तो इसलिए वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैंने इस कोर्स में अप्लाई किया है। लेकिन जामिया के अलावा कहीं भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछा जो आपको आ नहीं रहा है तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे आपको आता था, बस सर ने पूछा तो अभी मैं भूल गया भूल गई जो भी है, तो ऐसे आपको रिएक्ट करना है, फिर उसके बाद आहिस्ता से सॉरी बोल देना है कि सॉरी मैम सॉरी सर, जो भी पूछे, मैम पूछे तो सॉरी मैम, सर पूछे तो सॉरी सर, कि मैं पढ़ के तो आई थी या पढ़ के तो आया था लेकिन अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा से दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एकदम सिरे से आप नकार दो उस बात को कि नहीं मुझे नहीं आता क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी कभी वो ऐसे सवालात कर देते हैं जिससे कि सुन के आप काफ़ी हाइपर हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, लेकिन वहाँ पर भी आपको नरम दिल रखना है, आपको शांति से बैठना है, और बस यही सब थोड़ा अपना बातें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं और वापस जाते तक वो एक ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो एक्सपीरियंस टीचर है, काफ़ी सालों से उन्हें पता है कि आप जो जवाब दे रहे हो तो आप बना के जवाब दे रहे हो या फिर आपके दिल से वो आवाज़ आ रही हो, सब कुछ उन्हें पता है क्योंकि वो इसी फील्ड में वो हैं, और एक दो बार आप खुद ही अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने जो अपने जवाब को पॉजिटिव वे में रखिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ तो आपको क्या करना है, वीडियो में हमेशा पॉजिटिव रहना है, वहाँ पर जितना पॉजिटिव रहोगे जितना पॉजिटिव आंसर दोगे उतने ही चांसेस बढ़े रहेंगे। देखिए किसी के नंबर बहुत ही कम होंगे, जैसे उनको लग रहा हो कि मेरे नंबर बहुत कम है, और अगर अपने पार्टनर से पूछेगा तो उसके पार्टनर के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, फिर भी उसको लग रहा होगा कि शायद मुझे ऐसे ही बुला लिए हैं, बस सिर्फ देखने के लिए बुला लिए हैं या फिर भीड़ बढ़ाने के लिए बुला लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके नंबर बहुत कम है और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लोग को ही इंटरव्यू में बुलाते हैं कि अगर मैं हाईएस्ट नंबर इंटरव्यू में दे दूं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए, तो आपके नंबर ज्यादा हो कम हो वो मैटर नहीं करता,
मैटर करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, या तो आपके नंबर रिटेन में बहुत ज़्यादा हो तब इंटरव्यू में खाली अपियर हो जाइए, एक भी क्वेश्चन के जवाब नहीं दीजिए फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए तो श्वेता ज्वाइन हो गई, देखते हैं श्वेता अपने बारे में। अब अच्छा ठीक है, इनका नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए बार बार आ रही हैं जा रही हैं लेफ्ट कर जा रही हैं, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू जिसकी वजह से श्वेता अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रही हैं। बाकी इनका एक्सपीरियंस जैसा भी रहेगा ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, इनका इंग्लिश इंग्लिश से है तो जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, इससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इसे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।